हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो देख के आपको आइडिया लग गया होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगी टॉप स्कूल ऑफ नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल सर्च कर रहे हैं तो आपको स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिशन नोटिस का आइडिया इस वीडियो से लग सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये गौर इंटरनेशनल स्कूल है, विच इज वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। ये इसका जूनियर विंग है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये सामने इसका सीनियर विंग है। इन्होंने अपने जूनियर और सीनियर विंग है वो अलग अलग बनाए हुए हैं। बस एक रोड क्रॉस करते ही आमने सामने इन दोनों विंग्स की बिल्डिंग है। आप देख सकते हो इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है एडमिशन ओपन की, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें दी हुई है। और मैं आपको इस वीडियो में गौर इंटरनेशनल स्कूल के सीनियर विंग का लुक अंदर से दे रही हूँ, ताकि आपको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस का आइडिया लग सके इसे देख के। और ये है मंथन स्कूल, जो कि महागुन ने बनाया है, और इसके बगल में महागुन के रेजिडेंशियल टावर हैं, और उस रेजिडेंशियल सोसाइटी से कुछ मीटर की ही दूरी पे ही ये मंथन स्कूल है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैंने आपको पहले गौर इंटरनेशनल स्कूल दिखाया था और ये जो मंथन स्कूल है, ये दोनों बिल्डिंग्स जो स्कूल की हैं, ये दोनों अपोजिट साइड में है। एक बस आपको रोड क्रॉस करते ही दोनों स्कूल आमने सामने मिल जाएंगे। और जैसे कि आप इस बोर्ड में देख सकते हो, एडमिशन ओपन हो चुके हैं 2021 से 2022 तक, प्री नर्सरी टू ग्रेड 11 तक, और इसमें इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई है। सामने आप देख सकते हो ये SKS वर्ल्ड स्कूल है, जो कि सेक्टर 16 में है। और ये स्कूल जो है, इसके साथ तीन स्कूल और भी हैं, लाइन से यहाँ पे स्कूल्स बने हुए हैं, और जो मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और ये पहला गेट है स्कूल का और दूसरा गेट भी है, और स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है, आप आइडिया लगा सकते हो वीडियो देख के। और ये है SKS वर्ल्ड स्कूल का सेकंड गेट। और सामने है द विजडम ट्री स्कूल, जो कि जो मैंने आपको इससे पहले SKS वर्ल्ड स्कूल दिखाया था, उसके बिल्कुल जस्ट बगल में ये स्कूल बना हुआ है। जैसे कि आपने अभी देखा था ना, द विजडम ट्री स्कूल, उसके बगल में ये स्कूल बना है BLS वर्ल्ड स्कूल, जो कि सेक्टर 16 में है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तीन स्कूल यहाँ पे लाइन से हैं, तो ये तीनों स्कूल लाइन से बने हुए हैं।
और ये है स्कूल की इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। और ये है रियान इंटरनेशनल स्कूल विच इज वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इट्स अ को एजुकेशनल स्कूल विच इज एफिलेटेड टू सीबीएसई, और जितने भी स्कूल हैं वो सारे सीबीएसई से एफिलेटेड हैं। और ये स्कूल टेक जोन 4 में है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो और आपको रियान इंटरनेशनल स्कूल जाना है तो आप चार मूर्ति चौक से आगे एक मूर्ति चौक पड़ती है, वहां से आपको यू टर्न लेना है। और यू टर्न लेते ही आपको पहला लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेते ही ये रोड आ जाएगी, और इसी रोड पे ही आपको रियान इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएगा। और ये है लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल विच इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। ये टेक जोन 4 में है। और जो रियान इंटरनेशनल स्कूल है और लोटस वैली जो स्कूल है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो हार्डली 1 किलोमीटर का भी नहीं है। और आप सामने देख सकते हो ना, ये भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल, इंडिया के लार्जेस्ट फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्कूल में आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड है। और सामने है सेंट जेवियर्स हाई स्कूल जो कि कॉन्वेंट स्कूल है, और ये भी टेक जोन 4 में है। जो मैंने आपको इससे पहले लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल दिखाया था, उसके बिल्कुल बगल में ये सेंट जेवियर्स स्कूल बना हुआ है। और ये भी काफी बड़ा स्कूल है, आप देख सकते हो ये काफी बड़ा कैंपस है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।